नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑर्गेनिज्म या और सॉरी इफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। अगर कोई सेल है और उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, वो ब्रेक हो जाए या टूट जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उस वो सेल जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो उसके बेसिक फंक्शंस हैं, ठीक है। कोई सेल था, सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, सेल के अंदर जो है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये जो है सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये सारा मटेरियल कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये टूट जाएगा। अगर मान लो सपोज करो कि ये टूट गया तो ये सारे मटेरियल जो कहाँ आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा इससे, ठीक है, अगर सेल टूट जाता है तो। क्योंकि जब सेल ही एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, सेल डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो वो डेड के समान ही है, ठीक है, तो अब वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। जो सेल के फंक्शन थे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ईटीसी, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो सारे फंक्शन करना बंद कर देगा। और अगर जो है सेल डेथ हो गया तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जो है वो एक तरह से इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो अगर बहुत सारे सेल डेड हो जाएंगे तो बॉडी जो है वो कम्प्लीटली वो भी डेड हो जाएगी, ठीक है, तो सेल का मर जाना ही एक तरह से वो डेथ है। क्लियर?